नमस्कार, आनंद टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ पूजा। वेलकम करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद ही खास स्पेशल प्रोग्राम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्यार का महीना चल रहा है, यानी कि फरवरी है, और फरवरी में वैलेंटाइन वीक्स को हर प्रेमी बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, और हम भी आनंद टीवी के माध्यम से इस प्यार के महीने को सेलिब्रेट करेंगे और आपको बताएंगे हाँ यही प्यार है। हाँ यही प्यार है। प्यार की खुशबू ही अलग होती है। प्यार में हर कुछ बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। लड़ना, झगड़ना, मनाना, हर एक चीज में जो मजा है ना, वो शायद किसी में नहीं है। पर प्यार की खुशबू को आज हम महसूस करेंगे गानों के माध्यम से, क्योंकि गाना एक ऐसी चीज है जिससे हर कोई अपनी फीलिंग्स को जोड़ता है, अपनी फीलिंग्स को बयां करता है। और इस फीलिंग्स को समझने के लिए आनंद टीवी के माध्यम से अपने गाने को सुनाने के लिए हमारे साथ दिल्ली की फेमस ही ब्रांड डायमंड टीम मौजूद है। तो चलिए सबसे पहले डायमंड और उनके साथी संदीप और देवेश का वेलकम करते हैं। डायमंड, बहुत-बहुत वेलकम करती हूं हमारे बेहद स्पेशल प्रोग्राम में। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्यार का स्पेशल महीना है, तो मैं तो यही चाहूंगी कि कार्यक्रम की शुरुआत हाँ यही प्यार से की जाए। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। हो दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। हाँ यही प्यार है। हाँ यही प्यार है। हो दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। बिल्कुल यही प्यार है। प्यार की फीलिंग से बिल्कुल अलग होती है। पर जब पहले प्यार की बात की जाए, पहला प्यार, पहला नशा, पहली मुलाकात, इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? Well, उसके लिए मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत गाना है जी, जो मेरा पर्सनली फेवरेट गाना है। That's great. तो मैं वो सुनाना चाहूँ। चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया के साथ ही प्यार का तुम्हें चुन लिया, चुन लिया, मैंने सुन लिया। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। कर लूं मैं क्या अपना, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं। एक कर दूं आसमां और जमीन, कहो यारों क्या करूं क्या नहीं। पहला नशा, पहला खुमार,
नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाँ, ए दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार तू ही बता। ला रे ला रे ला। सीरियसली सचमुच प्यार की पहली मुलाकात की बात ही अलग होती है। पहली मुलाकात का किस्सा भी बड़ा अजीब होता है और नशा ही एक अलग लेवल पे होता है। पर आपसे डायमंड जानना चाहेंगे कि कई बार ऐसा होता है कि जब प्यार में तकरार में मैं अभी नहीं आऊंगी, प्यार की शुरुआत हुई है, पर प्यार में जो मिलने की बेताबी होती है, मुलाकात, पहला प्यार और पहली मुलाकात का जो कॉम्बिनेशन है वो एक अलग ही खास है। इस पर आप क्या सुनाना चाहेंगे? मेरे हिसाब से जब प्यार होता है किसी को तो एक हल्का सा एक नशा होता है सब। बिल्कुल, नशा, एक सुरूर, मतलब कुछ भी कर जाने का एक जुनून अंदर से नहीं लगता कहीं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो इसके लिए भी एक गाना है मेरे पास। बिल्कुल, नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यार मानो, नशे में यार डूब जा, रहो न होश में दीवानो, कि जब से मैंने तुमको दिल ये दे दिया, मीठा मीठा सा दर्द ले लिया, सुनो ओ प्रिया, वो सुने, मैंने तुमको दिल दिया, नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यार मान, नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि प्यार का नशा ही अलग होता है। और जब पहली मुलाकात की जो शुरू होती है, कहते ना डायमंड कहीं मन नहीं लगता, घर पे भी इवन मन नहीं लगता है, बस दिन भर ख्यालों में, मतलब बस प्यार ही प्यार, और उसका चेहरा हमारे नजरों के सामने होता है जिसे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और वैसे भी वैलेंटाइन का वीक चल रहा है, ऐसे में तो हर जगह प्यार ही प्यार नजर आ रहा है। तो प्यार भरा कुछ एक और गाना आपसे सुनना चाहेंगे। इसके लिए गाना है मेरे पास। बिल्कुल, पिटारे में बहुत कुछ है, पिटारे में बहुत सारे गाने हैं मेरे पास। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर, के तेरी सांसें चलती जिधर, रहूंगा बस वहीं उम्र भर। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर, के तेरी सांसें चलती जिधर, रहूंगा बस वहीं उम्र भर, रहूंगा बस वहीं उम्र भर है। जितनी हंसी ये मुलाकातें हैं, उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं, बातों में तेरी जो खो जाते आऊं ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी है, नहीं था पता के तुझे मान लूंगा खुदा, के तेरी गलियों में इस कदर आऊंगा। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर, के तेरी सांसें चलती जिधर, रहूंगा बस उम्र भर। मजा आ गया। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। वैसे गाने तो मेरे भी बहुत सारे फेवरेट हैं, पर एक रिक्वेस्ट आई है, वो मैं चाहती हूँ आप गाओ। सलमान खान का एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, मेरे रंग में रंगने वाली, वो मैं चाहती हूँ आप गाए। और वैसे भी वैलेंटाइन है तो ये गाना तो बनता है। मेरे रंग में रंगने वाली, परी हो या हो,
परियों की रानी या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना, दो ना। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी या हो मेरी प्रेम कहानी। मेरे सवालों सवालों का जवाब आपको मिला है क्या? अब मैं ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, ढूंढ रहे। लेकिन जो ढूंढने का भी जो एक वो टेम्परामेंट होता है ना, वो जो टाइम होता है ना कि कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो उसमें उलझनों में फंसे रहना, हाँ कहूँ ना कहूँ, तकरार करूँ क्या करूँ, उसका भी एक अलग ही किस्सा होता है। प्यार में लोग उलझे रहते हैं, उसको लेके कुछ सुनाना चाहेंगे क्या? मेरे ख्यालों की मलिका, मेरे ख्यालों की मलिका, चारों तरफ तेरी छैया रे, थाम ले आके भैया, चारों तरफ तेरी छैया रे छैया। मेरे ख्यालों की मलिका, मेरे ख्यालों की मलिका, चारों तरफ तेरी छैया रे, थाम ले आके भैया, चारों तरफ तेरी छैया रे। जादू छाया है तेरा जादू, काबू दिल पे नहीं है काबू, हो जादू छाया है तेरा जादू, काबू दिल पे नहीं है काबू। सपनों की परी इतना तो बता, रहती है कहाँ, तेरा नाम है क्या? ओ मेरे ख्यालों की मलिका, मेरे ख्यालों की मलिका, चारों तरफ तेरी छैया रे, थाम ले आके भैया, चारों तरफ तेरी छैया रे छैया। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो आपके इतने एक से बढ़कर एक गाने सुन के बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। पर मैं संदीप और देवेश के बारे में भी कुछ जानना चाहती हूँ आपसे। संदीप, बाय द वे, मैं बहुत सारे गिटारिस्ट, बहुत सारे म्यूजिशियन से मिलता रहता हूँ, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट और सबसे हैंडसम संदीप ही लगता है। या, मेरा भाई है। okay. बिल्कुल, हम लोग में भाई जैसा प्यार, हम लोग बहुत जमाने से काम करते हैं। देवेश हम सब में बड़े लगते हैं, लेकिन बड़े हैं नहीं, लेकिन है नहीं, ऑलमोस्ट कॉमन एज के ही हैं। ओके, लेकिन थोड़ा रफ एंड टफ, कराटे जूडो मास्टर हैं। ओके, तो आप इनके हाथों को देख सकते हैं कितने बड़े हैं। पर आप जब भी आप, आई थिंक आप तीनों लोग मिलके परफॉर्म करते होंगे, तो वैलेंटाइन चल रहा है, तो वैसे मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब डिमांड आती है कि कोई प्यार भरा गाना गाना हो या रोमांटिक गाना गाना हो, तो आप लोग कौन से गाने को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हो? आई मीन तीनों का फेवरेट रहा हो या आपको वो गाना गाने में बहुत मज़ा आता हो, वो मैं चाहती हूँ कि यहाँ भी आप गाएं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ना 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 ना। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया, हो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। बिल्कुल, मतलब ये कुछ ऐसे गाने हैं ना जिसे आप कभी भी किसी भी टाइम सुन लेंगे,
एक अलग सी फीलिंग्स आती है। लेकिन कई बार डायमंड देखा जाता है प्यार में हर कुछ होता है, लड़ना झगड़ना रूठना मनाना हर वो चीज़ें लोग करते हैं जो शायद प्यार में ही सिर्फ करते होंगे, पर कहीं ना कहीं जब वो लड़ते भी हैं झगड़ते भी हैं तो वो एट द एंड साथ में ही आ जाते हैं। कहते हैं ना भाई रहना तो साथ में ही है क्योंकि मैं प्यार करता हूँ उससे। तो कुछ ऐसा प्यार भरा तकरार भरा मस्ती भरा कुछ गाना आपसे सुनना चाहेंगे। एक गजल आई थिंक तो सज्जाद अली साहब की, बिल्कुल हम लोग अक्सर सुनते हैं जब कोई रूठ जाता है तो इस गाने को गाकर उसको मनाना चाहिए मेरे हिसाब से। छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ, वाह वाह, नैनों की जुबान को समझो जरा। छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ, नैनों की जुबान को समझो जरा। छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ, नैनों की जुबान को जरा समझो, समझो क्या कहती है जुबान। तुम नाराज हो, नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस हो तुम। नाराज हो, मुझे तो लगता है कि कोई ये गाना सुनेगा तो उसकी नाराजगी नो डाउट की चुटकियों में खत्म हो जाएगी। पर डायमंड पुराने गानों का ना एक अपना अलग ही मजा है क्योंकि दर्शकों पुराने गानों में जो फीलिंग्स है जो प्यार है जो खुमार है वो आपको हर गाने में देखने को नहीं मिलती। तो मैं चाहती हूँ डायमंड कुछ पुराना गाना सुनाए जो ऑल टाइम हिट और ऑल टाइम फेवरेट रहता है और वो आपका भी पसंदीदा सॉन्ग हो। वैसे पुराने गानों में तो एक एक गाना सारा सारा गाना बिल्कुल फेवरेट है मेरा, लेकिन कुछ गाने हैं जो मैं सुनाना चाहूंगा। किशोर दा का ऑल टाइम फेवरेट, जहां भी जाता हूं ये रिक्वेस्ट जरूर आती कि ये गाना जरूर लगाओ। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। माफ कर माफ करना मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा मेरा ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे खैर हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट सिंगर होता है, पर आप तो सिंगर भी है पर आपका कोई गुरु रहा होगा, फेवरेट कोई सिंगर रहा होगा, वो कौन है और उनका मैं कोई गाना सुनना चाहती हूँ। वैसे तो मैंने उनके गाने सुना दिए, मैं बहुत मेरे बहुत सारे फेवरेट, जैसे मैं रफी साहब को भी फॉलो करता हूँ, किशोर दा को भी फॉलो करता हूँ और जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स हैं सोनू निगम साहब और उदित नारायण साहब शानू दा सभी को करता हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर इंस्पायर्ड हूँ सोनू निगम साहब से और उदित साहब जी। तो बिल्कुल वक्त की कमी है, कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, तो मैं चाहती हूँ कि जाते जाते आप अपना वो फेवरेट गाना सुना के जाएं।
सोनू निगम साहब का है ये, एक बहुत ही रोमांटिक गाना है। आप बहुत देर से बहुत हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी ना, इसलिए गाना सुना। मैं आपके गाने सुन के मुस्कुरा रही थी। जब से मिला हूँ तुझसे, ओह नाइस, वेरी नाइस, मुस्कुराता रहता हूँ, जो भी मिलता है मुझसे सुनाता फिरता हूँ, दूर रहना इस माया जाल से वरना तेरा जीना दुश्वार हो जाएगा, हंस मत पगली प्यार 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 हो जाएगा। मैं सोचता था बेवजह, ख्वाबों की खिड़की थी बंद, अब इश्क होगा भी क्या तुझसे यूं थोड़ा, खुल गया हूँ मैं फिर तेरी आंखों में, खुल गया हूँ मैं जैसे पानी में चंदन हुआ दिल, खुलने को तैयार हो जाएगा, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। मुझे तो लगता है प्यार सच में हो ही जाएगा और शायद यही प्यार है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेश, संदीप एंड डायमंड, थैंक यू सो मच, आप स्टूडियो में आए और इतने अच्छे अच्छे गाने सुनाए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई वैलेंटाइन वीक है और प्यार की अपनी एक अलग ही फीलिंग्स होती है और शायद यही प्यार है, तो आप भी अपने पार्टनर के साथ वैलेंटाइन को एंजॉय कीजिए और अपने प्यार के साथ लाइफ टाइम इसी तरह से प्यार करते रहिए। फिलहाल हमारे खास शो हाँ यही प्यार में इतना ही, बने रहिए R9 TV के साथ।